आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम चाहने वाले खुश रहें, आबाद रहें। कल मेरी वीडियो नहीं आई, मैं माजरत खाऊँ। कल आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दो दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई और ना ही कोई मैंने घर में व्लॉग बनाया। मैंने सोचा कि एक दिन अपने आप को भी दे देती हैं, डेली की वीडियो बना बना के बोर हो गए थे। कल सारा दिन रावी ने चैन ही चैन लिखा, सुकून से सोई रही और आज सुबह उड़ते ही घर के काम इस्तकबाल के लिए लाइन में लगे खड़े थे। घर के सारे कामों से अभी हम इजी हो चुके हैं, तकरीबन 11:30 का टाइम है। अभी मैं बाजार जा रही हूँ, जैसा कि आपको पता है जाने की तैयारियाँ जो हैं वो स्टार्ट हैं। और आज मेरे कुछ दुपट्टे वगैरह पीको करवाने वाले रह गए थे वो, और एक सिंपल मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे, मुस्कान ने शूज़ लेने थे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम इतना दोपहर का नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी बाजार का काम फाइनल कर लेती हैं और साथ के साथ व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। पसंद आने की सूरत में मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सकेगी। तो चलते हैं बाजार, जो सामान वगैरह लेना है वो लेकर आती हैं, फिर वापस आके बकायदा बैग जो है मैंने निकाल लिया है, उसमें कपड़े वगैरह जो दर्जन के घर से सिलकर आ चुके हैं उनको जोड़ेंगे और आज की वीडियो के आप साथ साथ रहें। यहाँ पर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आरजे महविश पेज भी मेरा नहीं है और कोई भी फेसबुक का पेज मेरा नहीं है और ना ही कभी मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर को कहीं पर भी दिया है। तो आप ऐसे बेगैरत लोगों से होशियार रहें, मैं बार बार यही कहती हूँ। बाकी कुछ चंद घटिया लोग हैं जो मेरा नाम खराब करने के लिए फेक पेज बनाती हैं और उन्हीं पेजों पर फेक नंबर देकर पैसे वगैरह भी मंगवाती हैं। मुझे तो पैसे भेजने वालों पर इब्रत और हैरत होती है कि कैसे बेवकूफ लोग हैं कि किसी को कहने से इतने पैसे आपके पास फालतू हैं कि किसी को आप लोग दे देते हैं। तो ऐसे बेगैरत लोगों से बचकर रहें। कल कला को भाई मैं इस चीज की मौसूल नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ और आगे भी कहती रहूंगी। तो आप सब वीडियो के साथ साथ रहें। शर्ट चाहिए यादी, चलती हैं बाजार। अम्मी का वैक्सीनेशन का जो भी प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गए हैं और आप देख सकती हैं अर्जेंट में हमने जो भी कपड़े दिए थे वो भी सिलकर आ चुकी हैं। तैयारियां जो वो जोरों शोरों से चल रही हैं तो अभी पैकिंग कर लेते हैं। तो अम्मी आप ही मेरा साथ हेल्प करवाओ। नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, यही बहुत है। और मेरी तबीयत भी डाउन हो गई, जब बाजार गए वापिस आए तो एक तो लाइट ने बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है, लाइट नहीं थी। और 3:30 बजे दोपहर को वापिस आए तो आते ही हम सो गए थे। अभी सेकंड टाइम हुआ तो मैंने सोचा वीडियो भी मुकम्मल कर लेते हैं और जो भी हस्बैंड साहब के और मेरे कपड़े वगैरह दर्जन के और दर्जी के यहाँ से मुकम्मल होकर आए वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि कितने दिन बाद की टिकट फाइनल हो गई है। तो आप सब वीडियो के साथ साथ रहें। अल्लाह हस्बैंड साहब का ये ग्रे कलर का प्योर लोन में मैंने लिया था, साथ में बटन वगैरह भी मैंने खुद ही सिलेक्ट किए थे। तो ये दर्जी भाई ने बैठ कर मुकम्मल कर दिए, तो कपड़े आ चुके हैं। अभी मुस्कान जा रहा है, इनको बैग में रख रही है। ये मैंने ईद के लिए लिया है जनाब का, वाइट कलर का। मैंने कहा मेरे हस्बैंड पे बहुत प्यारा लगेगा, वाइट कलर पे वैसे ही मर्द बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये साथ में स्किन कलर का मैंने लिया था, ये वाशिंग वेयर में लिया था, दो लोन की और एक वाशिंग वेयर का भी एक सूट सिल रहा है। साथ में मैंने अपना भी ऑफ वाइट लिया था, मैंने कहा अगर मेरे हस्बैंड वाइट पहने तो मैं भी साथ में वाइट पहनूँ। और ये दूसरा येलो कलर का मेरा सूट, ये भी मुकम्मल हो गया, साथ में ये सूट भी मुकम्मल हो गया। अभी वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि तैयारियां जोरों शोर से शुरू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कपड़े आज सिलकर मुकम्मल होकर आ चुके हैं। बस हस्बैंड साहब का एक सूट रहता है, मैंने सोचा कि इनको बैग में रख लूँ। साथ ही जो सब्सक्राइबर बेचैन है कि कितने दिन बाद की टिकट है, पहले तो हस्बैंड साहब ने कहा था कि 30 तक, लेकिन 30 तक हमारे कपड़े वगैरह भी मुकम्मल नहीं हुए थे और साथ में मेरी वैक्सीनेशन का कार्ड वगैरह का मसला था। सो ये सारा काम आज मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह देखती हैं फिर सुबह की या परसों की कब की टिकट लेते हैं, ये तो अब हस्बैंड साहब को पता, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लिया है। ये हस्बैंड साहब की बुनियान वगैरह हैं, छोटा मोटा जो सामान है। और जो सब्सक्राइबर मुझे कल लाइव में दुबई से कमेंट कर रहे थे कि मैं भी साहिबा हम आपके फ़ैन हैं, हम आपसे मिलना चाहती हैं, आप दुबई कहाँ पे आ रही हैं, तो ये तो हस्बैंड साहब ही बता सकती हैं, उनके मशवरे के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जब वहाँ जाऊँगी प्यार से हस्बैंड साहब से ये बात मनवाऊँगी कि भाई यूट्यूब हमारी फैमिली है, इन्होंने हमारी सपोर्ट की है, हमारे अच्छे से सब्सक्राइबर जो मुझसे मिलना चाहते हैं अगर वो कहेंगे तो जहाँ पर वो कहेंगे फिर आपको बता दूंगी, आप सब मुझे लाइव मिल लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये काबिल-ए-एज़ाज़ बात होगी।
बाकी ये हस्बैंड साहब के और मैंने जो दो दो जूते लिए हैं वहाँ ले जाने के लिए, इनके डब्बे वगैरह मैंने निकाल कर फेंक दिए और जूते जो हैं ऐसे रख लिए, क्योंकि आपको पता है बैग बहुत बड़ा था लेकिन सामान से भर चुका था। तो प्लीज़ 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 वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। यूट्यूब चैनल RJ महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई है, दिन को बेनतहा गर्मी और धूप होती है जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकती और हस्बैंड साहब का ऑर्डर है कि भाई बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना, चैनल चले तो चलाओ, नहीं चलता तो ना चलाओ, बट तुम गर्मी में बाहर ना जाओ। सो मगरिब का टाइम होने वाला है, मैंने सोचा कि टाइम ओवर होता जा रहा है, वीडियो को अपलोड करती हैं, वरना ऐसे खाम खा के चंद मुनाफे कहते हैं कि पता नहीं क्या वजह है कि इनकी वीडियो नहीं आई। और शाम के खाने में चने की दाल और लूनक बना रहे हैं, लूनक मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझसे तो आजकल वैसे खाना इतना खाया नहीं जाता, तबीयत अपसेट रहती है। कल सारा दिन सुकून किया और आज भी सारा दिन ऐसे समझे सुकून ही किया, क्योंकि कल से मतलब दो तीन दिन से बेनतहा गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से हस्बैंड साहब कहते हैं कि बाहर गर्मी में ना निकलो, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। तो लेकिन जो चंद मुखालिफ है वो उनको बेचारों को टेंशन हो जाती है कि RJ महविश चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आई। तो चले जी, मुखालिफ भी जिंदा रहे, कम अज कम हमारे लिए जलते तो हैं, अगर वो इस दुनिया से चले गए तो जलेगा कौन हमारे साथ। बाकी मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो गैर ममालिक से मुझे कमेंट कर रहे थे, खास तौर दुबई से, कि महविश प्लीज़ बताइए कि आप कौन सी जगह आ रही हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह खैर आफियत से वहाँ पर पहुँच जाऊँ, फिर आप सबको ज़रूर बताऊंगी और अल्लाह ने चाहा तो ये मौका भी आपको ज़रूर दूंगी कि आप सब मेरे फ़ैन फॉलोइंग दुबई में मुझे लाइव मिल सके। और मरका गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बाहर तो अब निकला ही नहीं जाता। हस्बैंड साहब ने तो कहा है कि गाड़ी खड़ी है ले जाया करो, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं होता। मुल्तान उस दिन गई तो गाड़ी हस्बैंड साहब वाली थी, लेकिन नंद के बेटे की मिन्नत की, मैंने कहा तुम चलो हमारे साथ, उसकी भी जॉब है, वो कभी कभार फ्री होता है। सो गाड़ी तो है लेकिन चलाने वाला नहीं है, इंशाल्लाह खैर वाफियत से चलाने वाला भी आ जाएगा, फिर अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हस्बैंड साहब कहते हैं कि चैनल चलता है तो चलाओ, नहीं चलता तो ना चलाओ, लेकिन गर्मी में कहीं रूलो नहीं। और घर में जो व्लॉग बनता है सो बनाकर आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें लाइव देखना चाहती हैं, जो हमें शौक से देखती हैं, वो तो हम चाहे बाहर जाएं या घर में रहें हमारे व्लॉग शौक से ही देखती हैं। तो मिलते हैं सुबह अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगेवान।